लंका में तख्ता पलट, सेना ने सरकार बनाई, फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट, सेना की मदद से सरकार बनी, और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, जहां से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा और वहां सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। बांग्लादेश में ठीक वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जैसे कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में देखे गए थे। एक तरफ तो लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। विद्रोही आगे बढ़ते रहे और सेना शांत रही और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को धोखा दिया। दरअसल बांग्लादेश के पिछले 53 सालों के इतिहास में सेना ने यहां 17 साल शासन किया है। देश में 29 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई जिसमें से 6 बार सेना सफल रही। इसके बाद बांग्लादेशी सेना की आदत ठीक वैसी ही है जैसे पाकिस्तान में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, बिना सेना के शासन नहीं कर सकती। वैसे ही बांग्लादेश में सेना को जब भी ऐसा लगता है कि कोई नेता बार बार चुनाव जीत रहा है, लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, सेना को नजरअंदाज कर रहा है, तो सेना ने सही समय पर तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेशी सेना की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि लोग सड़क पर उतरकर तांडव करते रहे। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चलता रहा लेकिन सेना ने स्थिति संभालने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, सेना की मदद से ही विद्रोह को हवा मिली। सेना इस विद्रोह को भड़काती रही। सेना चाहती तो प्रदर्शनकारियों को रोक सकती थी लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया, जिससे समझा जा सकता है कि सेना खुद ही इस तख्ता पलट के पूरे खेल में शामिल थी। सेना के इस तख्ता पलट के पीछे कई और वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था लेकिन हसीना लगातार ऐसा करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ चीन से मिलने वाली सैन्य मदद से भी सेना नाराज थी, जिसे शेख हसीना लगातार नजरअंदाज कर रही थी, जिसके बाद सेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का पूरा खेल रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सामने आ रही है शेख हसीना पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि हिंडन एयरफोर्स बेस से उड़ा है C-130J। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश की सेना का है C-130J विमान और आज सुबह 9 बजे प्लेन ने ये उड़ान भरी है। विमान में कौन है इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि C-130J जिसने हिंडन एयरवेज से उड़ान भरी है, लेकिन आखिर इस प्लेन में कौन मौजूद है इसकी जानकारी नहीं। और अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, कुछ पता चल पा रहा है कौन था इस विमान में सुबह 9 बजे प्लेन ने उड़ान भरी है? देखिए, जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी सेना का विमान था और वहां पर जबकि एक केयरटेकर सरकार बनने के कवायद शुरू हो गई है, ऐसे में इस सेना ने ऐसा कहा जा रहा है कि इस अपने विमान को वापस बुलाया है और कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना उसमें नहीं है, वो यहाँ मौजूद है और हिंडन एयरबेस में मौजूद है। और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि वो यूके अथॉरिटी से लगातार संपर्क में है कि उनको वहाँ पे परमिशन मिले, उनका जो क्लियरेंस है वहाँ पे सब क्लियर हो जाए, लेकिन अभी वहाँ बातचीत चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो विमान उनको लेकर के कल 5:45 पर हिंडन एयरबेस पे उतरा था शाम को, वो वापस गया है क्योंकि वो सेना का विमान है, बांग्लादेश सेना का, और बांग्लादेश की सेना ने उसे अपने विमान को वापस बुलाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर ये बात पुख्ता है तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि शेख हसीना जो है अभी तब तक ये बात सच है कि तब तक हिंडन एयरबेस शेख हसीना भारत में ही है, ये सेना का विमान था, ऐसे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। अखिलेश जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल, सर आप लोगों का धन्यवाद, लेकिन आगे भी आप लोगों से बांग्लादेश के हालात पर और भारत में इसका क्या असर होने वाला है क्योंकि कई बातें कही जा रही है इसको लेकर, उस पर स्थितियां समझेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं बांग्लादेश की 25 तस्वीरें।
बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू गांव पर किया हमला, घरों को घेर कर हिंदुओं को गांव से बाहर निकाला, वीडियो भी सामने आया है। बांग्लादेश में हिंसा की भेंट चढ़े हिंदू दंगाइयों ने कई मंदिरों में किया आगजनी, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ किया और बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों को टारगेट कर रहे दंगाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, आपको बता दें कि तख्ता पलट के बाद टारगेट पर हैं हिंदू, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गांव से निकाला। उत्तर बांग्लादेश में डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने जेल में घुसकर उत्पात मचा दिया, 20 आतंकवादियों समेत 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा दिया, कई जगहों पर आगजनी भी की गई। बांग्लादेश में पेम हाउस में प्रदर्शनकारियों ने रसोई घर में तोड़फोड़ की है, रसोई घर में तोड़फोड़ और खाना खाते भी वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, ढाका में दंगाइयों के पास से बरामद की गई जो लूटी हुई नकदी थी उसको बरामद किया गया, हालात पर काबू पाने में इस वक्त सेना जुटी हुई। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर फायरिंग हुई है, झड़प का वीडियो भी सामने आया है, बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर की निगरानी में छात्र और पूरे देश में छात्रों ने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी की। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस स्टेशनों से हथियार, गोलियां और अन्य सामग्री लूटी गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा और प्रदर्शनकारी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर पर आग लगा दी है, शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते थे मुर्तजा। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की मांग, छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 2 घंटे में अंतरिम सरकार की मांग की, शेख हसीना के खिलाफ भी भड़कते हुए नजर आए थे। भारत में और लंबा रुक सकती हैं शेख हसीना, ब्रिटेन में शरण मिलने तक भारत में रुकने का समय जो है वो बढ़ा सकती हैं, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। शेख हसीना के बेटे संजीव वाजे जॉय का दावा है कि राजनीति में वापसी नहीं करेंगी शेख हसीना और बांग्लादेश की बेहतरी के लिए उनके प्रयासों के बाद विद्रोह से वो काफी ज्यादा निराश। शेख हसीना की बांग्लादेश छोड़ते ही होने लगी शांति, आज से कर्फ्यू खत्म, स्कूल से लेकर ऑफिस तक खोलने के आदेश दिए गए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मौजूदा संसद भंग करने का ऐलान किया जिसका गठन जनवरी 2024 के चुनाव के बाद ही हुआ था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर चीन अमेरिका पर साजिश का शक और छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा कर शर्तें थोपने की चीन की नीति, बांग्लादेश अमेरिका के बीच भी तलखी। बांग्लादेश में 10 सदस्यों की अंतरिम सरकार का होगा गठन, मोहम्मद यूनुस हो सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ ने 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के हालात पर भारत